अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे बदन के दर्द के ताल्लुक से। बदन में चाहे किसी भी हिस्से का दर्द हो, सर से लेकर पैर तक, वीडियो को आखिर तक देखें। इस ताल्लुक से हम बहुत ही अच्छा अमल बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी के बदन में दर्द हो, चाहे किसी भी जगह दर्द हो, उस दर्द को सल्ब करने की तरकीब ये है। सल्ब यानी ख़त्म करने की तरकीब ये है कि जिस जगह दर्द हो, दर्द की जगह खुद मरीज़ अपने हाथ से दबाकर पकड़े, दबाकर यानी खूब ज़ोर से पकड़े, और पहली बार में इस आयत को 3 बार पढ़े और दूसरी बार में इस आयत को 5वीं बार पढ़े और तीसरी बार में इस आयत को 11 बार पढ़े और चौथी बार में इस आयत को 21 बार पढ़े, पढ़कर दम करे। मगर ये अमल हमेशा सूरज निकलने के बाद किया जाए, इंशाअल्लाह ताला दर्द ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। वो आयत सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा इला रब्बिका कैफ़ मद्दज़्ज़िल्ला वलव शाअ लजअलहु साकिना थुम्मा जअलनश्शम्सा अलैहि दलीला ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि इस ताल्लुक से हर किसी को मालूम हो जाए। क्या पता आपकी वजह से किसी को शिफा मिल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं का तलबगार मोहम्मद निज़ामुद्दीन क़ादरी।